हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैकेनिकल गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स के एक और न्यू वीडियो पर। इससे पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कई सारे वीडियोज बनाए, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है घटता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है परिवर्तित रहता है, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त तो कोई नहीं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, वो फ्रेंड जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, बढ़ता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है घटता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है परिवर्तित रहता है, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, घटता है। क्वेश्चन में बोला गया था किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो घटेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। चालक का क्रांतिक तापमान टीसी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है जिस तापमान पर चालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है जिस तापमान पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, जिस तापमान पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चनों को आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप वीडियो को देखते रहिए और आपके क्वेश्चन जो दिमाग में वो चढ़ते जाएंगे। जब आपको बोर्ड एग्जाम पर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनमें तुरंत टिक लगा लेंगे। अति चालक का प्रतिरोध होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अनंत, सेकंड ऑप्शन दे रहा है जीरो, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन में बोला गया है अति चालक का प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है, अति चालक का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 25 नंबर है। अति चालक की चालकता होती है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अनंत, सेकंड ऑप्शन दे रहा है शून्य, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही है, अनंत इन्फिनाइट, जो अति चालक की चालकता होती है वो अनंत होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर मिलने ही मिलने वाले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। अति चालकता की घटना होती है जब चालक का तापमान टी होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है टी बड़ा है टीसी से, सेकंड ऑप्शन दे रहा है टी छोटा है टीसी बड़ा है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया जो सी नंबर है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको दिया गया जो डी नंबर है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, टीसी बड़ा है टी से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। मेजनर प्रभाव क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है अति चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं अति चालक को पार नहीं कर पाती हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय बल रेखाएं अति चालक से बाहर मुड़ जाती हैं, थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से एक ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों। जो ये हमारा क्वेश्चन है मेसनर प्रभाव क्या होता है, वो अति चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं अति चालक को पार नहीं कर पाती हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं अति चालक के बाहर मुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं इस क्वेश्चन के लिए।
सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 28 नंबर क्वेश्चन है। अतिचालकता की घटना किन घटनाओं की क्रिया होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आदर्श चालकता, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है आदर्श प्रतिचुंबकीय, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों। अतिचालकता की घटना किन घटनाओं की क्रिया होती है? वो आदर्श चालकता और आदर्श प्रतिचुंबकीय दोनों ही होती है। इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 29 नंबर क्वेश्चन है। अतिचालकता के उपयोग हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है चुंबकीय लेविटेशन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है बहुत उच्च शक्ति के विद्युत चुंबकन बनाने में, थर्ड ऑप्शन दिया गया है बहुत उच्च गति के कंप्यूटर के लॉजिक तथा स्टोरेज युक्ति में, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया जो डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर जो इसका फ्रेंड डी है वो आपका सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम पर मिल सकता है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। बहुत से लोग पीडीएफ को बेच रहे हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 30 नंबर क्वेश्चन है। किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% एक नंबर पर आपको मिलेगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टता नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फ्रेंड जो 30 नंबर क्वेश्चन और 31 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर मिलेगा, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिल जाए, ये 100% श्योर है। तो फ्रेंड जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर होता है। जो किरचॉफ का वोल्टता नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 31 का वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम लगाया जाता है? फ्रेंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रहा है संधि, सेकंड दे रहा है बंद पास या बंद परिपथ में, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो जो संधि है वो सही है, किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो किसमें लगाया जाता है? वो संधि पे लगाया जाता है। और इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया जाता है, वही चारों ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संधि पर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है बंद पास या बंद परिपथ, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर आपने न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व किए हैं तो आपको आंसर पता होगा। जो हमारा किरचॉफ का वोल्टता नियम है वो किस पे लगाया जाता है? जो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही है, बंद पास या बंद परिपथ में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 34 नंबर क्वेश्चन है। किरचॉफ का धारा नियम है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर जीरो, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, सिग्मा आई इन बराबर सिग्मा आई आउट, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, उपयुक्त दोनों जो किरचॉफ का धारा नियम है वो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों।
फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 35 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टा नियम है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, किसी बंद पास में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों के बीच गणितीय योग विद्युत बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, सिग्मा आई इन बराबर सिग्मा आई आउट। और थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर जो 35 का जो ए है वो सही है। किसी बंद पास में धारा तथा प्रतिरोध के गुणन फलों का बीज गणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 36 नंबर क्वेश्चन है, डीसी विभव क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड इसका ए है वो आपका सही है। विभव जो है समय के साथ स्थिर या नियत रहता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 37 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और फ्रेंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज भी चल रहा है तो आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। एसी विभव क्या होता है, विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। फ्रेंड ये एसी के लिए पूछा गया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन पे वो डीसी के लिए पूछा गया था, दोनों में अंतर समझिएगा आप। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु बनता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है चारों प्रतिरोध पी क्यू आर और एस, सेकंड ऑप्शन दे रहा है बैटरी, थर्ड ऑप्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो आपका व्हीट स्टोन सेतु है वो बनता है किससे बनता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, चार प्रतिरोध से पी क्यू आर एस से और बैटरी से और गैल्वेनोमीटर से सबसे बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। फ्रेंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध पी क्यू आर और एस जुड़े होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है चारों प्रतिरोध पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में होते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है प्रतिरोध पी और क्यू समांतर चतुर्भुज की निकट या बगल में स्थित भुजाओं में होते हैं, थर्ड ऑप्शन दे रहा है प्रतिरोध आर और एस समांतर चतुर्भुज की निकट या बगल में स्थित भुजाओं में होते हैं, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन उसका जो आंसर है, फ्रेंड अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन में बोला गया व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध पी क्यू आर और एस जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड डी है वो सही है, उपयुक्त सभी ए और बी और सी जितना बोला गया सारे ही सही हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था होती है, फ्रेंड इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हैं और क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं तो ये मान लीजिए आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नंबर को कट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पी अपॉन आर बराबर क्यू अपॉन एस, थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। फ्रेंड जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर आप हमें बताएंगे, नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए वहाँ पर भी मैं बता दूंगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। फ्रेंड जो आपका व्हीट स्टोन सेतु इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो फ्रेंड इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, ये मान लीजिए 2 से 3 नंबर आपको देकर जाने वाला है व्हीट स्टोन सेतु।
नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है गैल्विनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कोई नहीं। तो इन चार में से आपका एक ऑप्शन सही, जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही है। व्हीटस्टोन सेतु की जो संतुलन की अवस्था होती है वो गैल्विनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। जब गैल्विनोमीटर विक्षेप शून्य होगा तब आपका जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में होगा, और गैल्विनोमीटर में धारा का मान जो है शून्य होता है तब भी गैल्विनोमीटर जो आपका है वो जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएँ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पी क्यू, और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है आर एस, थर्ड ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड होने वाला है जो ए नंबर है ऑप्शन आपका वो सही है, पी क्यू। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात प्रतिरोध होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है पी क्यू, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आर एस, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है एस। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात प्रतिरोध आर प्रतिरोध जो होता है वो हमें ज्ञात होता है।